इस बीच प्रदेश भर में भी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। शिमला स्थित रिज मैदान पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, उपायुक्त आदित्य नेगी सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे एक स्पष्टवादी नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, स्पष्टवादी थे, जो कहते थे उस पर अमल भी करते थे और सभी दल से ऊपर उठ के सब लोग उनकी आदर करते थे और उन्हें भारत रत्न, जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसे नवाजा गया। उनकी जो प्रेरणा है वो सभी देशवासियों के लिए एक दिशा को तय करती है। मैं इस 5वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ और आशा करते हैं कि देश जिस प्रकार के स्पष्टवादी थे उनकी नीतियों से प्रभावित होगा। दूसरी ओर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कहा कि अटल जी एक लोकप्रिय नेता व वक्ता थे, जिन्हें सुनने के लिए न सिर्फ जनसभाओं में सैलाब उमड़ता था बल्कि संसद में भी पक्ष विपक्ष के नेता उनके वक्तव्य सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और हम उनको योगदान को आज के इस अवसर पर स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि, और देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने अपना कार्यकाल किया। सत्ता में रहते हुए भी लोकप्रियता कम नहीं और विपक्ष में रहते हुए ऐसी शख्सियत, जब लोकसभा में, राज्यसभा में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना वक्तव्य देने के लिए संसद में खड़े होते थे तो विपक्ष कितनी भी कटुता, कितने भी तनाव के माहौल में उनको बहुत शांति से सुनता था। आज के इस अवसर पर हम अटल जी को बहुत आदर के साथ जो है वो याद करते हैं, श्रद्धा के साथ याद करते हैं और आज पुण्यतिथि है, उनको हम श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करते हैं।